क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अमिताभ बच्चन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जालिम नजर हटा ले। अमिताभ बच्चन के अभिनय के हर उम्र के लोग कायल हैं। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की। हिंदी सिनेमा के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को तेजी बच्चन और मशहूर कवि व लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के घर में हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को उनके चाहने वाले कई नाम से पुकारते हैं। कोई उन्हें सदी का महानायक कहता है तो कोई उन्हें शहंशाह बुलाते हैं। कौन है तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। लेकिन फैंस अपने सुपरस्टार को, अपने अमिताभ बच्चन को बेहद प्यार करते हैं। Whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasa. क्या आपको मालूम है कि बच्चन साहब साल में दो बार अपना जन्मदिन मनाते हैं? दरअसल अमिताभ जी अपना पहला जन्मदिन 11 अक्टूबर को मनाते हैं क्योंकि इस दिन इनका जन्म हुआ था, और दूसरा जन्मदिन 2 अगस्त को मनाते हैं जब वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे उस ऐतिहासिक हादसे के बारे में, और साथ ही जानेंगे कौन थी वो दोस्त जिसने हादसे से एक दिन पहले किया था उनको आगाह। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट विष्णुप्रिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल यादें नई पुरानी। ये तो हम सब जानते हैं कि अमित जी के जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जब बेंगलुरु में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान वो मरते मरते बचे। तारीख थी 24 जुलाई 1982। फिल्म कूली के एक्शन सीन में अमित जी ने कई खतरनाक स्टंट किए, लेकिन दिन के आखिरी सीन में अमिताभ बच्चन और पुनीत इस्सर के बीच साधारण सा फाइटिंग शॉट फिल्माया जा रहा था। इसी दौरान पुनीत का मुक्का गलती से अमित जी के पेट में लग जाने से वो जमीन पर ढेर हो गए। और उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि फौरन उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मल्टीपल सर्जरी के बावजूद उनकी हालत नाजुक थी और डॉक्टर्स ने उनके रिकवर होने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या। लेकिन फिर 2 अगस्त को अमित जी ने अचानक अपना एक अंगूठा हिलाया जिसके बाद उम्मीद की एक किरण जागी। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। और फिर उनके परिवार वालों और फैंस की दुआओं ने उन्हें कुछ ही महीनों में स्वस्थ कर दिया। रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। ये हादसा तो हम सब जानते ही हैं, पर दिलचस्प बात यह है कि इस हादसे से ठीक एक दिन पहले आधी रात को तकरीबन 11 से 12 बजे अचानक अमित जी के घर एक फोन आया, और फोन पर थी स्मिता पाटिल, जिनकी आवाज सुनकर अमित जी थोड़ा सक पकाए। हालांकि इन दोनों की मुलाकात एक दो बार ही हुई थी, बस थोड़ी सी जान पहचान थी। ऐसे में अचानक स्मिता पाटिल का फोन आना बच्चन साहब के लिए सोचने वाली बात थी। स्मिता जी ने अपनी घबराती हुई आवाज से अपनी इंट्यूशन जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने उनकी सेहत को लेकर एक भयानक सपना देखा है। अमिताभ जी ने हंसते हुए कहा, भैया हम तो ठीक ठाक हैं। ये जानकर स्मिता पाटिल निश्चिंत हो गई और मशवरा दिया कि आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। मगर होनी को कौन टाल सकता था, जो होना था वो होकर रहा। किसको पता क्या
किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। कुली के इस हादसे के बाद अमित जी भी डेस्टिनी को लेकर ज्यादा सचेत हो गए। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी। खैर, अब वो स्वस्थ और सेहतमंद हैं। आगे भी ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, यही कामना करती हूँ। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो। मैं विष्णुप्रिया अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। हमारे चैनल यादें नई पुरानी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।